आशा भविष्यकाल है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमारे पास एक धन्य आशा है। कलीसिया की धन्य आशा प्रभु यीशु मसीह का जल्द लौट आना है। उद्धार पाए हुए मृत विश्वासियों का पुनरुत्थान है। जीवित विश्वासियों का मध्य आकाश में उठा लिया जाना है। स्वर्ग की आशा है। हमारे प्रियजनों और मित्रों को फिर देखने की आशा है। उस आशा के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम इस आशा में आनंद मनाते हैं, परंतु यह भविष्यकाल की बात है। प्रभु यीशु फिर आ रहा है। हम उस पर विश्वास करें या न करें, वह आ रहा है, क्योंकि वचन ऐसा कहता है। पुनरुत्थान होगा, फिर हमारे पास विश्वास हो या न हो, हम विश्वास करें या न करें, यह पूरा होगा। और हमारे प्रियजन जो मसीही विश्वासी हैं और मर गए हैं और इस संसार को छोड़कर स्वर्ग गए हैं, वे भी वहाँ पर हैं, चाहे हमारा विश्वास कुछ भी हो। और जब यीशु वापस आएगा, तब वे उसके साथ आएंगे। मेरा विश्वास यीशु को वापस नहीं ला सकता। दूसरे शब्दों में, मैं यह विश्वास नहीं कर सकता कि वह एक विशिष्ट समय में आएगा और मेरा विश्वास उसे वापस लाएगा। यदि यह सच होता तो कलीसिया विश्वास कर सकती और अपने विश्वास करने के द्वारा उसे वापस ला सकती, परंतु यीशु आ रहा है। लेकिन यह भविष्यकाल है, क्योंकि हम नहीं जानते कि यह कब होगा, परंतु हम यह अवश्य जानते हैं कि ऐसा होगा। और हम यह जानते हैं कि यह धन्य आशा है। हम यह भी जानते हैं कि यह अशुद्ध करने वाली आशा है, क्योंकि एक यूहन्ना 3:3 में लिखा है, और जो कोई उस पर यह आशा करता है, वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है। यह धन्य आशा भविष्यकाल है। मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु आ रहा है, परंतु हम विश्वास करें या न करें, वह आएगा ही। यीशु के आगमन की बात जोहना और उस धन्य आशा पर विश्वास करना, यह परमेश्वर का जो वचन कहता है, उस पर विश्वास करना और उस विषय में आशा रखना, इसका संयोग है। यह भविष्यकाल है। परंतु यदि मैं कहता हूँ, मैं यह विश्वास करता हूँ कि मुझे कभी न कभी मेरी चंगाई मिलेगी, तो यह विश्वास करना नहीं हुआ। यह आशा करना है। यह आशा करना है, विश्वास करना नहीं। और आशा आपके लिए चंगाई नहीं ले आएगी। मैंने बीमार लोगों को देखा है जो ऐसा कहते हुए मर गए। वे बड़े अच्छे लोग थे जो आज स्वर्ग में हैं, और मैं उनके विषय में बुरा नहीं कहूँगा, क्योंकि वे बड़े अच्छे मसीही विश्वासी थे। परंतु वे इस बात को नहीं जानते थे कि विश्वास क्या है। किसी ने कहा है, मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर मुझे चंगा करेगा, परंतु यह विश्वास नहीं है, यह आशा है जो भविष्य की ओर निर्देश करता है या भविष्य की ओर देखता, वह आशा है। यह विश्वास नहीं है, क्योंकि विश्वास अब है का अब विश्वास। इब्रानियों 11:1 विश्वास कहता है, यह मेरा है और वह मुझे अभी मिला है। आशा कहती है, मुझे कभी न कभी मिलेगा। परंतु जब तक आप आशा में हैं और विश्वास में नहीं है, आप जो भी चाहते हो वह कभी पूरा नहीं होगा, वह कभी अस्तित्व में नहीं आएगा। परंतु जिस क्षण आप विश्वास करना आरंभ करेंगे और परमेश्वर के वचन के अनुसार कार्य करेंगे, आपका विश्वास आपके लिए कार्य करेगा। अपनी आशा को विश्वास में बदलना। कई वर्षों पहले बीमारी के बिछौने पर मैंने यह पाठ सीखा। चंगाई पाने से पहले मैं 16 महीनों तक बीमारी के बिछौने पर पड़ा रहा। वस्तुतः मैं सारी जिंदगी बीमार था और मैंने सामान्य बचपन नहीं बिताया। मैं अन्य बच्चों के समान कभी दौड़ भाग नहीं सका और 15 वर्ष की उम्र में
मैं पूरी तरह से बिछौने पर पड़ गया। पांच डॉक्टर, जिनमें से एक सुविख्यात मेयो क्लिनिक में डॉक्टर थे, उन्होंने कहा कि जहां तक चिकित्सा विज्ञान जानता है या उसके पास रिकॉर्ड है, उसके अनुसार मेरी दशा में कोई भी व्यक्ति 16 वर्ष की उम्र के पार जीवित नहीं रह पाया है। 16 वर्ष का होने से पहले कुछ माह पहले मैं पूरी रीति से बिछौने पर पड़ गया और करीब 17 वर्ष की उम्र का होने तक बिछौने पर पड़ा रहा। चंगाई पाने के लिए मुझे पर सब प्रकार के उपचार किए गए। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि आज विश्वास और चंगाई के विषय पर कई अच्छी पुस्तकें लिखी गई हैं, परंतु उन दिनों इन विषयों पर ज्यादा पुस्तकें नहीं थी। यदि होगी भी तो मैं उनके विषय में नहीं जानता था और उन्हें नहीं पा सका था। मैं केवल एक सांप्रदायिक लड़का था जो अपनी नानी का बाइबल पढ़ता था, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, वह मेरे फूल गॉस्पल बाइबल के समान ही है, क्योंकि यह वही बाइबल है। जब मैं चंगाई पाने की कोशिश कर रहा था, तब मैंने रोकर प्रार्थना की और कहा, प्रिय प्रभु, कृपा करके मुझे चंगा कीजिए। मेरी चंगाई के लिए परमेश्वर से मैंने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की और कई रात मैंने प्रार्थना में गुजार दी और सारी रात में प्रार्थना करता रहता। जब आप दिन में 24 घंटे अपने बिछौने पर पड़े रहते, तब आप बहुत प्रार्थना कर सकते हैं। मैंने दिन में कई घंटे प्रार्थना की, दिन प्रतिदिन, सप्ताह तक और महीने मैंने प्रार्थना में बिताए। मैंने नया जन्म पाया था, परंतु जहां तक मेरी चंगाई पाने का सवाल था, मुझे फल नहीं मिल रहा था। मैं प्रार्थना करता था और मुझे यकीन था कि परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना सुन ली है और मुझे चंगा कर दिया है, क्योंकि उसने ऐसा किया है, यह एहसास मुझे में था। मैं यह नहीं कहना चाहता कि मैंने यह शारीरिक तौर पर महसूस किया, मुझे कोई फर्क महसूस नहीं हुआ, परंतु मुझे ऐसा लगा कि मेरी प्रार्थना सुन ली गई है। मैं यह नहीं कह सकता कि शारीरिक तौर पर परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना सुन ली है, परंतु मैं आत्मिक रीति से इस विषय में बोल रहा हूँ। जब मैं चंगाई के लिए प्रार्थना करता था, तो मुझे महसूस होता मेरी प्रार्थना सुन ली गई है, परंतु फिर मैं अपने हृदय को छूकर देखता, उसमें अब भी सही धड़कन नहीं थी। मैं निचले अंगों को देखता और पाता कि वह अब भी लकवा ग्रस्त है। मेरे पांव हड्डियों का ढांचा बन गए थे और उन पर मानो चमड़ा खींचा हुआ था। मेरी जांघों में और पांवों में कोई मांस नहीं था। फिर मैं रोने लगता और कहने लगता, प्रभु, मैंने सोचा कि आप मुझे चंगा करने वाले हैं। मुझे ऐसा लगा कि आपने मुझे चंगा कर दिया है। मैंने ऐसा जाना, परंतु आपने मुझे चंगा नहीं किया। मैं इस बात को समझ नहीं पाता था और एक महीने तक मैंने बाइबल की ओर झांक कर भी नहीं देखा। मैंने सोचा कि मैं प्रार्थना करना छोड़ दूंगा, परंतु फिर मैं कमजोर होने लगा। मैं मृत्यु के द्वार तक पहुंच जाता, मौत की धड़कने महसूस करने लगता, अपने पलक के सिरहाने को पकड़ लेता ताकि मैं नीचे न जा सकूं। आप देख पाएंगे कि मैं जहां पर पलंग को पकड़ता था, वहां का रंग पूरा उड़ गया था। मैं अपनी पूरी ताकत से मौत से लड़ रहा था। उसके बाद मैं फिर वचन की ओर लौट आता और फिर उसे पढ़ने लगता। एक जवान व्यक्ति होने के नाते मैं जीना चाहता था, इसलिए स्वाभाविक दृष्टिकोण से मैं मृत्यु से लड़ता था, परंतु मैं समझ नहीं पा सकता था कि मैं आत्मिक रीति से कहां गलती कर रहा हूं। मैं परमेश्वर के वचन पर चलने की कोशिश करता और मुझे कुछ परिणाम हासिल होते और मैं स्वस्थ हो जाता, परंतु फिर भी मुझे चंगाई नहीं मिली थी। अंत में अगस्त 1934 को दूसरे मंगलवार के दिन, जब मैं 16 महीनों के लिए बीमारी के बिछौने पर पड़ा रहा, तब मैंने प्रभु से कहा,
प्रिय प्रभु यीशु, जब आप यहाँ पृथ्वी पर थे तब आपने मरकुस 11 का 24 में कहा, जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। मैं चंगाई पाना चाहता हूँ। आपने कहा, जब तुम प्रार्थना करते हो मैंने प्रार्थना की है। आपने कहा, विश्वास करो, मैंने विश्वास किया है। मैं आगे प्रार्थना करता रहा, प्रिय प्रभु यीश, यदि आप शरीर रूप में मेरे बिछौने के पास खड़े रहते और यदि मैं अपनी आँखों से आपको देख पाता और अपने हाथों को आपकी ओर बढ़ाकर आपके हाथों पर रख पाता, यदि आप मुझसे कहते, बेटे तुम्हारे साथ समस्या यह है कि तुम विश्वास नहीं कर रहे हो, तो मुझे आपसे कहना पड़ता, प्रिय प्रभु यीशु, आप झूठ बोल रहे हैं, मैं विश्वास करता हूँ। मैंने यह प्रेम और खराई के साथ कहा, मगरूरी से नहीं।